कि आज आपने आप सब लोगों ने हमको आज बुला करके जो एक नई परिपाटी और अच्छी परिपाटी प्रारंभ की, उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे कुछ कुछ बिंदु है जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमने प्रवासी राजस्थानी को लाने के लिए समय समय पर जिस प्रकार की स्टैंड दिए और जिस प्रकार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन समय समय पर इसमें जो बदलाव किया उसके कारण से लोगों को कई प्रकार की परेशानियां बढ़ रही है। इसके बारे में हमको फिर से सोचना चाहिए कि जो अधिकृत कागज लेकर के बॉर्डर तक आ गए उन लोगों को भी 12-12 14-14 घंटे तक वहां इंतजार करना पड़ रहा है। अभी तक भी मेरे ट्राइबल क्षेत्र में हजारों लोग पैदल चल करके आज भी आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ जो भी कलेक्टर है वो अपने एरिया में पैदल चलने वाले लोगों को कहीं तो भी गाड़ी में बिठा करके अगले स्टेशन पर अगर छोड़ने का संभव हो सकता है तो निश्चित रूप से प्रयत्न करें। और ये जो पैदल चल रहे हैं इन लोगों को पिछले 5 दिन से भोजन और पानी जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही, इसको देखना चाहिए। एक ये जो बीपीएल को तो सब प्रकार की सुविधा मिल रही है, आप एपीएल और बाकी लोगों को भी देने की बात तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो किट बना करके आपने रख रखे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने के कारण से कई जरूरतमंदों को इस बारे में नहीं पहुंच पा रहा, इसको आपको देखना चाहिए। मेरा एक बहुत विनम्र प्रार्थना आपसे, ये जितने भी आपने क्वारंटाइन जो क्वारंटाइन बीमार हैं उनको जो रख रखे स्थान हैं, कृपा करके आप जाकर के एक बार उनका किसी न किसी को भेज करके निरीक्षण कर लीजिए। सच में आपको लगेगा कि वहां केवल रेजिडेंट और आपका नर्सिंग स्टाफ ही जा रहा है, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं ये नहीं के बराबर जाते हैं। उनकी जो सुविधा है समय पर भोजन चाय और वो भी प्रॉपर नहीं, या तो आप हमको भी थोड़ा सा इजाजत दें ताकि हम आपके उन सारे हॉस्पिटल जहां कोरोना के अधिकृत मरीज रखे हुए हैं वहां की पोजीशन कैसी है। न तो आप जा पाए न मैं जा पाया, सच में वहां से जो लोगों का कभी कभी फोन आता है वो बहुत ज्यादा खुश करने वाला नहीं है। इस पर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये जो हम बार बार जो आग्रह दुराग्रह कर रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया केंद्र ने कुछ नहीं दिया, कृपा करके इसको बंद करके या तो इसके बारे में जो कुछ जहां कर चर्चा करनी वहां चलिए पब्लिकली। जिस प्रकार से आपकी मंत्री स्टेटमेंट देते हैं तो हमारा भी दिल जो है ना उसके खिलाफ बात करने का तैयार हो जाता है। मैं सोचता हूँ इस बहस में नहीं पड़े। हमने राजस्थान की विधानसभा में सबने सर्वसम्मति से निर्णय किया था और आज भी मैं आपको मेरी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कोरोना के जंग में हम पार्टी को नहीं लाना चाहते बिल्कुल भी, लेकिन कृपा करके हर व्यक्ति दिल्ली ने कुछ नहीं दिया दिल्ली ने कुछ नहीं दिया ये बार बार गिनती कराने से तो फिर हमको भी जवाब देना पड़ता है जो हम कभी कभी देते हैं। मैं आपसे और सबसे जो जनप्रतिनिधि बैठे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि राजनीतिक दाव पेच नहीं खेलना चाहिए। हमारा एमएलए का जो पैसा गया 60 लाख रुपया सामान बांटने का, उसको आपका अधिकारी कहता है आप तो छोड़ जाओ तो हम बांट देंगे, और आपके पार्टी का कोई एमएलए गया तो वो अपना नाम छाप और वो लगा करके जब बांटने जाता है तो दोनों के बीच में टकराव आता है। मैंने आपको पत्र भी लिखा था इस बारे में। मैं सोचता हूँ इस बारे में हमको बहुत गहराई से सोचना चाहिए और विशेष करके जो मेडिकल की बाकी इंस्टीट्यूशन है सारा ध्यान कोरोना पर तो जरूर है, लेकिन जो बाकी अपने हॉस्पिटल हैं वो बिल्कुल डंप हो गए हैं। आज सामान्य बीमार को किसी भी प्रकार का जो इलाज चाहिए वो भटकता फिरता है, उसके बारे में चाहे वो गांव की पीएससी और सीएससी हो उसको जाकर के भी देखने का प्रयत्न करें तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से इसको सुधारने के लिए पूरी गुंजाइश है, सुधारना चाहिए। एक दूसरा, कम से कम मेरे इस ट्राइबल एरिया में जो बाहर से मजदूर आ गया है इसको 100% जिसको फिजिकली ठीक है मेडिकली टेस्ट करने के बाद नरेगा से जोड़ दीजिए, नहीं तो इस क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति बनेगी तो कभी भी आप और हमारे लिए एक दुविधा का कारण बन सकेगा, इसको जरूर देखना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि विशेष करके ये जो डॉक्टर्स या पुलिस और जो इन पर जो हमले हो रहे हैं
इनमें कोई संगीन केस बना करके केस को लोगों को दिखे जिस लायक के एक्शन अगर होगा तो जाकर के लोगों के मन में आएगा। आज जो काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी आपके और मेरे के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं यहाँ आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिला दूँ, विषय तो कई कहने जो मेरे साथी कहेंगे, लेकिन मैं विनम्रता से ये जो अपना और दिल्ली का पैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, रोज डिमांड खड़ी करना, मैं सोचता हूँ मैंने जो कहा था कि 17,000 करोड़ रुपया 230 करोड़ रुपया मिला है, आपने मैंने बार बार कहा है आपने अपने इस राजस्थान के इन योजनाओं को जो आपकी और केंद्र की मिली हुई उसको छोड़कर किस किस योजना में ये जो 2500 रुपया आप जो कह रहे हैं ना, ईमानदारी से ये सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं अपनी अपनी विधानसभा की सूची इनको कल की तारीख में आप दे दें कि 2500 रुपया हमने इस जगह इस व्यक्ति को बांट दिया है तो हमको बहुत संतोष मिलेगा। केवल कहने के लिए कह रहे हैं, हमारा धरती पर चीज नहीं उतर रही है। आप रोज जो बोलते हैं, रोज जो आप विषय करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मुख्यमंत्री इतने एक्टिव होकर हर चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच में नीचे के जो अधिकारी है उसको ठीक प्रकार से नीचे नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए जो हमको मन को संतोष मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मैंने अगर कोई गलत बात की तो माफी चाहता हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं मैं और मेरी पार्टी 24 घंटे इस कोरोना की महामारी में आपका साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, लेकिन ये आपस में टकराव वाली स्थिति नहीं लाए तो ज्यादा अच्छा हो। धन्यवाद कटारिया साहब, भैया इसकी कि अपन आपने बैच करेंगे अच्छा रहेगा कि मैं आपको एक बार मैं मीटिंग वापस करूंगा आपके साथ में आप पार्टी नेताओं के साथ में, और ये जो कम्युनिकेशन गैप है आपको लगता है कि खाद्य सामग्री बांटने में भेदभाव हो रहा है या सिस्टम गलत है या केंद्र के ऊपर के आरोप लगा रहे हैं, तो अपन बैठ के बात करेंगे, कोई तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। सरकार की मंशा आप सबको साथ लेके चलने की है, पूरे मुल्क में ये माहौल है, उस माहौल को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेवारी है। हम चाहेंगे कि आप हमें फीडबैक दें, हमें अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।